हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्राणी जगत के प्रकार के बारे में, कि प्राणी जगत के अंदर किन विभिन्न भागों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके बारे में हमने बताया था आपको, कुछ बेसिक चीजें बताई थी जिनके आधार पर हम प्राणी जगत का वर्गीकरण करते हैं, जिनमें आपको मैंने बताया था आपका सिलोम के आधार पर, कोशिका स्तर या ऊतक स्तर के आधार पर, अंग स्तर के आधार पर। इसके अलावा मैंने बताया था कि द्विस्तरीय, आड़ीय सममित, द्विपार्श्व सममित, ये कुछ बेसिक आधार हमने बताए थे जिन आधार पे हमने प्राणी जगत को बांटने की कोशिश करी थी। और उनमें मैंने आपको सभी पार्ट्स को कैसे याद रखने है उसका सेक्वेंस भी बताया हुआ था आपको। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले क्लास में आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पहले पार्ट के साथ उसका स्टार्ट करेंगे। और पहला पार्ट जो इस संघ में हम लोग जानेंगे उसका नाम है पेरिफेरा। ठीक है, पहला संघ हम लोग जानेंगे पेरिफेरा के फॉर्म में। ठीक है, पेरिफेरा को हमने रखा था किस स्तर पे? कोशिकीय स्तर पे। अब एक बात जरा ध्यान रखिएगा, कोशिकीय स्तर का मतलब एक कतई नहीं होगा कि हमेशा इसके अंदर सिर्फ एक कोशिकीय जीव होंगे, क्योंकि आपको बताया था जिस समय आरएच व्हिटेकर का मैंने पांच टाइप बताया था, तो उस कंडीशन में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि जो एक कोशिकीय जीव होंगे, बहु कोशिकीय जीवों को उनको किन रूप में बांटते हैं। तो यहाँ पे प्राणी जगत है तो लगभग सभी के सभी क्या होंगे, आपको बहुकोशिकीय ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोशिका अस्तर कहने का मतलब क्या होता है कि पेरिफेरा जो होगा इनके पास कोशिकाएं तो होंगी, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होंगी, लेकिन क्या होगा इन सभी को मिलने की वजह से कोई ऊतक का निर्माण नहीं होगा, यानी इनके अंदर कोई विशेष ऊतक जो है वह नहीं बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिकीय स्तर का मतलब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय की बात यहाँ पे नहीं, कोशिकीय स्तर का मतलब यहाँ पे जो पेरिफेरा ग्रुप में है कि यह इनके अंदर कोशिकाएं तो होंगी लेकिन ये कोशिकाओं एक साथ सम्मिलित रूप में किसी ऊतक का निर्माण नहीं करेगी। क्लियर है? पेरिफेरा के अंदर अगर बात की जाए तो कुल मिला के आपको लगभग 5,000 जातियों को हमने इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पेरिफेरा ग्रुप के लगभग 5,000 जातियों को हमने आपका अभी तक अध्ययन किया है, और सभी के सभी जो जीव है वह बहु कोशिकीय है। क्या है? बहु कोशिकीय है, लेकिन बहु कोशिकीय होने के बावजूद भी उनके अंदर आपका ऊतक स्तर तक विकास नहीं हुआ है। अर्थात क्या? ऊतक स्तर जो है यह आपका नहीं है, लेकिन बहु कोशिकीय जरूर है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगर पेरिफेरा की विशेषता की बात करें तो इनका जो शरीर जो होगा वह जो होगा आपका लगभग कैसा होगा? द्विपार्श्व सममित होगा। द्विपार्श्व सममित होगा। द्विपार्श्व सममित तो मैंने बताया था आपको, वैसे जीव जिनका शरीर द्वि का मतलब दो, आप पार्श्व का मतलब हिस्सा या भाग, असममित का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए? ऐसा जीव जिनका शरीर पूर्ण रूप से दो बराबर भागों में या दो बराबर टुकड़ों में बट जाए तो वह आपका जीव क्या कहलाएगा? द्विपार्श्व सममित कहलाएगा। अर्थात पेरिफेरा जो होगा हमारा कैसा होगा? द्विपार्श्व सममित होगा। ये जो होगा इनके अंदर कुछ समानताएं पाई जाएंगी जो प्रोटोजोआ की तरह लगेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से यह प्रोटोजोआ के कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, पेरिफेरा के अंदर कुछ ऐसे भी गुण लगेंगे जो आपको लगेगा कि यह आपका प्रोटोजोआ है, लेकिन प्रोटोजोआ वास्तव में होते नहीं है। अगर इनकी जगह स्थिति की बात की जाए कि ये कहाँ रहते हैं तो मुख्य रूप से आपको समुद्र में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ आपके मीठे आपके जलों में भी कुछ मात्रा में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुलता इनको कहाँ मिलेगी? समुद्र में मिलेगा आपको। समुद्र में मिलने के बाद बात आती है कि इसको सामान्य रूप से स्पंज के नाम से भी जानते हैं, समुद्री स्पंज के नाम से भी जानते हैं। अब स्पंज का मतलब मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, स्पंज का मतलब रसगुल्ला कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्पंज का मतलब वो रसगुल्ला समझ रहे हो। तो ये स्पंज रसगुल्ला नहीं, बल्कि एक आपका जीव का जगत का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह आपके इसके कैटेगरी में आने वाले क्या होंगे जी?
यह बिल्कुल स्पंज होंगे। और उसके बाद क्या होगा, यह समुद्री जल में रहेगा, और कुछ अंश में आपका क्या देखने को मिलेगा, यह मीठे जल में भी आपको देखने को मिलेगा। यह कंफर्म है कि इनका शरीर जब स्पंज के फॉर्म में रहेगा, समुद्री जल में रहेगा, तो कंफर्म है कि समुद्र के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो अपने आप को जब कोशिकीय स्तर में है तो अपने आप को नॉर्मल वैसे तो बैलेंस कर नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े जो आपके पेड़ पौधे जो होते हैं आपके, क्या कहते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, उनके जड़ों के पास चिपक कर अपने आप को आश्रय देने का काम कौन करता है, यह पेरिफेरा ग्रुप के जीव करते हैं। यानी यह स्वतंत्र रूप में सामान्य रूप से नहीं रहते हैं, यह आश्रय के लिए किसी बड़े पौधे या जीव के पास में संपर्क में रहकर और अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनके अंदर हम जनन की क्रिया की बात कर लें कि ये अपने जो जीव है, इन जीवों की संख्या में वृद्धि कैसे करेंगे, तो इनकी वृद्धि जो होगी वो कैसे होती है, इनकी वृद्धि होती है अलैंगिक जनन से। किस माध्यम से होती है, अलैंगिक जनन के माध्यम से। और अलैंगिक जनन में भी कौन सी विधि, तो मुकुलन विधि। कौन सी विधि, मुकुलन। मैंने आपको बताया था मुकुलन, हाइड्रा के एग्जाम्पल लेकर, कि मुकुलन कौन सी विधि होती है, ऐसी क्रिया जिसके अंदर आपका क्या हो जाए कि एक जीव अपने किसी प्रवर्ध से, शरीर के किसी हिस्से से, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में अगर देखना हो तो आप 12th क्लास के आप चैप्टर में जाके देख सकते हैं, आप ही के इस वीडियो प्लेलिस्ट के नीचे वाले में एक 12th बायोलॉजी का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप अलैंगिक जनन की क्रिया को देख सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में हमने बताया, शॉर्ट पे हालांकि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा आपको, जहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल रहेगा। देखिए तो ये वास्तव में मुकुलन क्या रहता है कि ये हाइड्रा होता है, और ये हाइड्रा क्या होता है कि इनके शरीर के आपके तने वाले हिस्से से प्रवर्ध निकलता है। प्रवर्ध मतलब क्या, तना का कोई हिस्सा बाहर निकलता है। अब क्या होता है कि यह प्रवर्ध यहां से टूटेगा और टूट कर यह धरती पे गिरेगा और यह स्वतंत्र रूप से एक नया पौधा बना लेगा, ठीक है। तो यह जो प्रवर्ध इनमें से, इसके तना में से निकला था, इसे हम लोग कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। और इस मुकुल से जो क्रिया होती है जनन की, तो यह क्रिया दोनों मिलाकर क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। क्लियर है आप लोग को? तो ठीक उसी प्रकार से पेरिफेरा ग्रुप के जो जीव होंगे उनके अंदर जो जनन की क्रिया होगी वास्तव में अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, और क्या होगी, मुकुलन की क्रिया के द्वारा उनके अंदर होंगे। अब सीधी सी बात है कि जनन की क्रिया अलैंगिक हो रही है, तब आपसे एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि बताइए कि पेरिफेरा के जो ग्रुप के जो जीव है वो आपका एक लिंगी होंगे या फिर उभय लिंगी होंगे। तो सीधी सी बात है कि जब अलैंगिक जनन की क्रिया होगी तो उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होंगे, तो कंफर्म है कि ये जीव क्या कहलाएंगे, आपके उभय लिंगी होंगे। तो एक बात अगर आपको याद रहे तो आप इन दो बातों का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं, ठीक है, कि ये उभय लिंगी रहेंगे और जनन की क्रिया अलैंगिक होगी, और अलैंगिक में भी कौन सी क्रिया होगी, मुकुलन की क्रिया होगी। आपको बताया था कि द्विपार्श्व सममित, और इनके अलावा इनका जो शरीर होगा ना वह 2 लेयर वाला होगा। कितने लेयर का होगा, 2 लेयर का। हमने लेयर बेस पे भी बताया था आपको कि जनरली जो जीव होते हैं वो लेयर बेस पे हम लोग बांटते हैं, यानी उनके बाहरी स्तर यानी कि कोबर के अनुसार बांटते हैं। तो इनका शरीर द्विस्तरीय होगा। द्विस्तरीय का मतलब क्या होता है कि दो स्तर में, दो बराबर भागों में आपका जो कोबर है वो बटा रहता है। ध्यान समझिए, इनका शरीर जो होता है द्विस्तरीय होता है। और ये कौन कौन से द्विस्तरीय होते हैं, तो इनके ऊपर जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये मान लीजिए कार्ड है आपका, किसका, ये आपका पेरिफेरा ग्रुप के किसी जीव का, ठीक है। अब पेरिफेरा मतलब इसके अंदर तो बहुत सारे आते हैं, साइकन देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल बहुत सारे, हम एग्जाम्पल की चर्चा कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये पेरिफेरा ग्रुप के हैं।
अब क्या है कि इनके ऊपर आपका द्विस्तरीय का मतलब क्या होगा कि इनका जो शरीर जो होगा, इनके जो आवरण होंगे, बाहरी कवर, इन पे दो स्तर होंगे, दो लेयर होंगे, ठीक है। और ये जो इनके सबसे बाहरी जो लेयर होगा, इस बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं इसको? एक्टोडर्म। और दूसरा क्या होता है अंदर वाला, इससे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। अर्थात क्या होगा कि इनका शरीर जो होता है दो भागों में आपका बटा रहता है, एक तो होता है एक्टोडर्म और दूसरा क्या होता है? एंडोडर्म होता है। लेकिन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को सहयोग देने के लिए, बीच में दोनों को कनेक्शन कराने के लिए आपका एक और लेयर रहता है जिससे हम लोग कहते हैं मेसाइनो काइमा, ठीक है। ये आपके लेयर बीच में पाए जाते हैं, जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इन दोनों के बीच में आपको पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेसाइनोकाइन जो है आपका एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में रहेगा, तो इनके अंदर दो ही लेयर हुए, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका शरीर कैसा होगा? द्विस्तरीय होगा। और ध्यान रखिएगा, द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बंटने वाला, और द्विस्तरीय का मतलब होता है उनका लेयर दो बराबर भागों में बटे। ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि द्विपार्श्व सममित और द्विस्तरीय एक ही चीज है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। देखिए, द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होगा कि दो बराबर हिस्सा में बटे, इधर भी ए लिखा हुआ है, इधर भी ए लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में बटे है, तो द्विपार्श्व सममित। और द्विस्तरीय का मतलब इनके बॉडी का लेयर पे आपका कितना लेयर होगा? दो लेयर होंगे, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? इससे हम लोग कहेंगे द्विस्तरीय, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है कि इनके अंदर जो शरीर के अंदर जो नलिकाएं होती है, वह पाचन नलिका इनके पास नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर आपकी रस निकलने के लिए जठर गुहा जरूर पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी? जठर, जठर गुहा इसके अंदर पाई जाती है, क्लियर है। तो पेरिफेरा के अंदर लगभग आपकी कितनी जाति खोज हो चुकी है? लगभग 500 जाति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। इनका शरीर कैसा होगा? उत्तर आपका कोशिकीय स्तर का होगा। इनका शरीर कैसा होगा? कोशिका स्तर का होगा, यानी कोशिका है तो इनके अंदर होंगी, लेकिन कोशिका के अंदर वह एक साथ मिलकर बहु को आपका उत्तक का रूप धारण नहीं करेगा, क्योंकि उत्तक की क्या परिभाषा होती है कि एक ही तरह के काम करने वाले, या एक ही तरह से उत्पत्ति होने वाले, या एक ही आकार आकृति के जो कोशिकाओं का सम्मेलन होता है, जो समूह होता है, जो किसी एक विशेष पर्पस के लिए काम करे, तो वह कोशिकाओं का जो समूह होगा वह उत्तक का निर्माण करता है। लेकिन इनके अंदर कोशिकाएं जो होंगी सभी अलग अलग रूप में होंगी, सभी का कार्य भी अलग अलग होगा, सभी की आकार आकृति भी अलग होगी, तो किसी भी रूप में यह मैचिंग तो बैठता नहीं है, तो उस कंडीशन में सब मिलकर किसी एक विशेष पर्पस के लिए काम करे ये भी संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में हम सीधी सी बात कहते हैं कि पेरिफेरा जो है कोशिकीय स्तर पे है, लेकिन यह उत्तक का निर्माण नहीं करता है, यह सीधे शब्दों में कहे कि उत्तक स्तर में नहीं आता है। इनकी आपकी जातियों की बात करें तो 500 जाति लगभग आपके खोजी जा चुकी है, बहुकोशिकीय है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित है। आपका यह जनरली कहाँ पाया जाएगा? समुद्र में पाया जाएगा, कुछ जगहों पर रेयरली मीठे जल में मिलेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग समुद्री स्पंज के नाम से भी जानेंगे। उसके बाद अगर जनन क्रिया की बात की जाए तो मुख्य रूप से जनन कैसा होता है जी? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, और अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है कि इनके अंदर मुख्य रूप से मुकुलन होता है, ठीक है। उसके बाद इनका शरीर जो होता है उभयलिंगी होता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ होते हैं, और इनका शरीर जो होता है द्विस्तरीय होता है, यानी कि कवर दो भागों में बटे, इनका कवर दो स्तर का होगा। उसके बाद क्या होता है कि यह इनके अंदर जो होता है, जो भोजन के लिए होता है, कोई पाचन नलिका नहीं पाई जाती है स्पेसिफिक, इनके अंदर पाई जाती है क्या? जठर गुहा, लेकिन जरूर पाई जाती है। यहां तक सभी को क्लियर है? मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, इसके अंदर साइकन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि स्पंज वाला है तो स्पंजीला भी कह सकते हैं, स्पंजीला भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है पेरिफेरा के बारे में। तो पेरिफेरा के अंदर स्पेसिफिक इतना ही बात आपको याद रखना है। अगर ये पार्ट इतना बात याद रहेगा आपको, तो इस पे आपको इजीली कोई भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप कर सकते हैं। पेरिफेरा के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इजीली इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेरिफेरा ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा तो हम अगले ग्रुप की बात करेंगे, और वह अगला ग्रुप है आपका सिलिंट्रेटा। अगला कौन सा ग्रुप है? सिलिंट्रेटा, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं सिलिंट्रेटा में। देखिए सिलिंट्रेटा जो है पेरिफेरा से ज्यादा अलग नहीं है, सिलिंट्रेटा जो है पेरिफेरा से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन क्या है कि उनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है जो इनके अंदर आपके नहीं पाई जाती। जैसे उसमें हमें देखने को मिलेगा स्पेसिफिक क्या कि उनके अंदर आपकी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसी कोशिका स्तर होता है जिनके वजह से उनको स्पेसिफिक बनाता है। जैसा आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके पास दंश करने की यानी कि जहर को आपके शरीर में डालने की क्षमता होती है। तो सिलिंट्रेटा वर्ग के जो जीव मिलेंगे हमें, उनके अंदर भी यह क्षमता मिलेगी, ठीक है, और इनके अंदर भी यह दंश कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा सा सिलिंट्रेटा के बारे में। सिलिंट्रेटा, ठीक है, सिलिंट्रेटा वर्ग की बात की जाए तो सिलिंट्रेटा वास्तव में आपका क्या होता है? बहुकोशिका, सो बहुकोशिकीय होगा। पहला नंबर बात, पहला केस इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका कंफर्म है कि प्राणी जगत के अंदर है, तो एक कॉमन बात मिलेगी क्या? बहुकोशिकीय है, ठीक है, इनके अंदर बहुकोशिकीय है तो कंफर्म है कि कोशिकाओं का समूह तो होगा ही, कोशिकाओं का समूह होगा, और इनके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होगा यह उत्तक का रूप धारण करेगा। समूह जो होगा उत्तक स्तर तक यह जाएगा। क्लियर है आप लोग को? कोशिकाओं का समूह होगा और यह कोशिकाओं का समूह किस लेयर तक जाएगा? उत्तक स्तर तक जाएगा। इनमें क्या होता है कि उसी तरह से अगर समानता के रूप में बात की जाए तो यह भी आपका दोनों जगह पे मिलेगा, समुद्री जल में भी मिलेगा और यह भी कहां मिलेगा? मीठे जल में भी मिलेंगे। दोनों जगह पे आपको मिलने वाला, समुद्री जल हो या मीठे जल हो, इन दोनों जगह पे मिलेगा। जनन की क्रिया की बात की जाए तो इनके अंदर भी आपका अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, और वह अलैंगिक जनन की क्रिया कौन सी होगी? वह होगी आपकी मुकुलन की। क्या होगी? मुकुलन की। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ में लैंगिक जनन की क्रिया भी होती है जिसमें युग्मक का संलयन हो। किसका संलयन होता है? युग्मकों का संलयन होता है। तो इनके अंदर दोनों होगी, अलैंगिक यानी मुकुलन से होगी, अलैंगिक होगा तो युग्मक केंद्रकों का यानी युग्मक के केंद्र जो होंगे उनका संलयन होगा। ये चार बातें हो गई। इनके बाद इनका पांचवी बात की जाए तो इनका जो शरीर होता है ये भी आपका द्विस्तरीय होता है। कितना होगा? द्विस्तरीय होगा। और द्विस्तरीय होगा तो क्या क्या इसमें पाया जाएगा? आपको आपको पता है एक बाहरी कवर होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और आंतरिक लेयर जो होगा आपका क्या होगा? एंडोडर्म। ये दो लेयर होंगे। अब जब ये दो लेयर होगा तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या होंगे? एक ऐसा भी लेयर होना चाहिए जो क्या करे, दोनों को आपका कनेक्शन यानी एक साथ जोड़ने का काम करे, और वह कनेक्शन जो है आपका मिसोगिलिया है, जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों को जोड़ेगा उसका नाम है मिसोगिलिया, ठीक है। यह मिसोगिलिया जो होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर को जोड़ेगा। सीधी सी बात है, एक कवर ये हो गया और दूसरा कवर ये हो गया, ठीक है, यानी कि बाहर वाला आपका एक्टो और अंदर वाला आपका क्या? एंडोडर्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो यह जो आपका लेयर होगा, ये जो बीच का लेयर होगा जो दोनों को कनेक्शन देगा, ठीक है, ये कोई लेयर नहीं है, वास्तव में कनेक्टिविटी का काम करेगा। जैसे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के एग्जांपल से आपको बात कर रहे हैं कि जैसे आप फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि फेविक्विक ही किसी भी चीज को सटने में मदद करता है, लेकिन आप क्या करते हैं उस कंडीशन में, कुछ आप क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण या बुरादे इस्तेमाल करते हैं जिनके वजह से वह जो सरफेस है प्रॉपरली चिपक जाए। तो वह कंडीशन आपका लेयर थोड़े ना है, वो
वास्तव में लेयर नहीं है, बल्कि क्या है कि दोनों आइटम्स को एक साथ जोड़ने के लिए बीच में एक कनेक्टर का काम करता है, यानी कनेक्शन करने का काम करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मिसोगिलिया जो है वास्तव में एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों को बीच में क्या कराएगा, कनेक्शन कराएगा, या कह सकते हैं कि किस दोनों का कनेक्टिंग पार्ट आपका ये होता है। क्लियर है? इनके अंदर मैंने बताया था आपको स्पेसिफिक चीज कि इनके अंदर आपका क्या होगा कि इनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं का मतलब इनका सुर इस तरह से निकला हुआ होगा और इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, जहरीला मटेरियल देगा, तो यह इसे हम लोग क्या कहेंगे, दंश कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर है? दंश कोशिकाएं आपको हम लेंगी। इनके अलावा इनके इसके अंदर क्या खासियत रहेगा, तो इनके अंदर एक और बात जो खासियत रहेगी कि इनमें जनरली सिर नहीं पाया जाता। इनका जो होता है जनरली क्या नहीं रहता है, सिर नहीं पाया जाता है। और सीधा बात समझिए कि जिनका सिर नहीं हो तो हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि वो तो भूत ही होगा भाई, जिनका सिर ही नहीं है तो क्या होगा, वो भूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी जीव है लेकिन सिर नहीं है। लेकिन उनके जगह पर क्या है, उनके लिए एक नेत्र बिंदु रहता है, एक नेत्र बिंदु रहता है, जो एक पॉइंट रहता है जिनसे वो देख सकता है, तो वह नेत्र बिंदु कहलाता है। लेकिन उनमें सिर की जो अवस्था है वह नहीं पाई जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोगों, ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है? और ये दंश कोशिकाएं जो होती है यह वास्तव में एक लंबे तंतु की तरह जुड़े रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्शक। क्या कहते हैं उसे? स्पर्शक, यानी कि स्पर्श करने वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। और कंफर्म है कि इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो इनके अंदर क्या होगा, पीढ़ी एकांतरण के कार्य होंगे। इनके अंदर जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो क्या होगा, पीढ़ी भी एकांतरित होगी, यानी पीढ़ी एकांतरण का कार्य संभव होगा, पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाएगा। क्लियर है? अर्थात कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पेरिफेरा से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनसे आपको क्या करता है, यह अलग करने का आपका कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल में क्या जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में आपको हाइड्रा आ जाएगा, इसी के एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा, जो इसके कैटेगरी में आता है। क्लियर है? तो सिलिंट्रेटा वर्ड में आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, सिलिंट्रेटा के बारे में हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि सिर नहीं होगी और लेकिन और गुद्दा भी नहीं होगा इनके शरीर का हिस्सा का कोई। ठीक है? तो ये हिस्सा आपके मुख्य रूप से नहीं पाए जाएंगे, जनरली स्ट्रक्चर बहुकोशिकीय होगा और उत्तक स्तर तक ये सीमित रहेगा। ठीक है? अंग इसमें नहीं बनते। अगर आप लोग को यह सिलिंट्रेटा और पेरिफेरा दोनों अगर क्लियर है, ठीक है, तब हम लोग चर्चा करेंगे टीनोफेरा के बारे में कि अगला ग्रुप जो है आपका टीनोफेरा, इसमें कैसे कैसे यह काम होती है। क्लियर है आपका पॉइंट? चलिए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा टीनोफेरा के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या स्पेसिफिक होती है जो इनसे आपका अलग बनाती है। ये सभी छोटे छोटे कैटेगरी हैं, लेकिन क्या है कि उनके अंदर आपको सिर्फ स्पेसिफिक याद रखना है कि सिलिंट्रेटा पेरिफेरा से कैसे अलग है। तो उनका जैसे हमको पॉइंट याद हो गया, याद रहेगा आप लोगों को क्या याद रहेगा कि उनमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती थी, और एक में आपका पेरिफेरा में दंश कोशिकाएं नहीं थी लेकिन सिलिंट्रेटा में थी। उसके बाद क्या था, उसके अंदर देखे थे कि अलैंगिक जन की क्रिया होती थी लेकिन इनके अंदर लैंगिक जन की क्रिया भी होती है। ठीक है? उसके बाद मैंने देखा था आपको बताया था क्लियर कि आपको क्या था कि उनको एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर था, ठीक है, वो मेसोकाइम था। आपका यहाँ पर मेसोगिलिनिया, यानी कि कनेक्टर भी अलग अलग रूप में है। ठीक है? इनका शरीर भी द्विस्तरीय द्विपार्श्व सममित है, तो यह दोनों आपका कैटेगरी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के अंदर समानता और असमानता के बेस पे जब कभी भी आप नोट्स बनाइएगा तो दोनों के समानता और असमानता को मेंशन करते हुए बनाइएगा, तो क्या होगा कि ज्यादा बातें आपको याद रहेगा, एक ही फैक्ट याद कीजिएगा और दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। सिर्फ जो आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जो मतलब कि इसमें शामिल नहीं होता है, उन चीजों को आप अलग से सिर्फ याद कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो वो ग्रुप है आपका टीनोफोरा।
ठीक है, वो कौन सा ग्रुप है? टीनोफोड़ा। टीनोफोड़ा आप जानते हैं टीनोफोड़ा में, तो टीनोफोड़ा क्या है, इनके जो शरीर है, ये जो जीव है, ये थोड़ा सा विकसित जीव है, ठीक है। और विकसित जीव का मतलब क्या होता है कि इनका जो आपका ये स्वतंत्र जीवी संघ में आते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, यानी स्वतंत्र जीवी के रूप में आते हैं, ठीक है। और इनका जो शरीर की बात की जाए, तो इनका शरीर कैसा होता है कि सममिति के आधार पे इनका शरीर भी द्विपार्श्व सममिति होता है। कितने सममित होते हैं? द्विपार्श्व सममित, यानी कि दो बराबर भागों में बंटने वाले। तो ये भी हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद क्या कि इनके अंदर आपकी जो दंश कोशिकाएं आपको मिलती थी सिलिंट्रेटा में, तो यह दंश कोशिकाएं इनके अंदर भी आपको मिलेंगी, अर्थात कि टीनोफेरा के अंदर भी ये क्वालिटी होंगी कि इनके अंदर क्या पाई जाएंगी जी, दंश कोशिकाएं इसमें पाई जाएंगी। उसके बाद क्या कि इनके अंदर एक बात है जो उनके दोनों कनेक्टिंग के बीच में, जो आपका द्विस्तरीय था, द्विस्तरीय था, और द्विस्तरीय के बीच में क्या मिल रहा था, मैं वहां पे मिल रहा था विसोगिलिया, विसोगिलिया मिल रहा था, जो एक्टोडर और एंडोडर यह दोनों को जोड़ने वाला, तो उनका क्या था कि उसमें मिसोगिलिया का सिर्फ छोटा सा अंश रहता था। सिलिंट्रेटा में क्या था? अविकसित अंश, या कह सकते बिल्कुल थोड़ी मात्रा में यह अवेलेबल था सिलिंट्रेटा में। लेकिन टीनोफेरा में जो है, यह जो मिसोगिलिया है आपका क्या होगा, यह आपका पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में होगा। पूर्ण रूप से क्या होगा? विकसित अवस्था में होगा, जो किसको जोड़ेगा, यह जोड़ेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म को, जो किसको जोड़ेगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को जोड़ेगा, एक्टोडर्म। क्लियर है? यानी कि द्विस्तरीय भी है, लेकिन इसके अंदर भी मिसोगिलिया ही मिलेगा, लेकिन इनके अंदर यही होगा कि पूर्ण विकसित अवस्था में होगा। आपका जिस तरह से अविकसित अवस्था में कहां पे था, सिलिंट्रेटा के अंदर, तो वैसी अविकसित अवस्था में यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर एक और खासियत पाई जाती है कि इनके आपके जो स्पर्शक थे, ठीक है, स्पर्शक जो उसमें था, स्पर्शक के साथ इसमें एक और कोशिका इसमें शामिल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं असंजक कोशिका। कौन कोशिका है जी? असंजक कोशिका शामिल इसमें होती है। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि पीछे वाले से इसमें क्या भिन्नता रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ये शरीर भी, इनका भी, आपका शरीर की बात की जाए, तो ये भी क्या होते हैं, दोनों लिंग एक साथ, मतलब कि उभयलिंगी। और जब उभयलिंगी होगा तो मुख्य रूप से कैसा होगा आपका, उभय उभयलिंगी वाले में आपको उभयलिंगी जो होंगे, यहाँ पे स्पर्शक है, इसके साथ असंजक कोशिकाएं होंगी। और क्या होगा, उभयलिंगी जो होगा, उस उभयलिंगी होने के वजह से जब भी कोई जीव उभयलिंगी होगा, तो सामान्य रूप से इनके अंदर जो जनन की क्रिया होगी, ये कैसी होगी, अलैंगिक जनन की क्रिया होगी। क्लियर है? तो ये सभी कुछ क्वालिटी होंगी जो उनसे अलग होंगी, ठीक है। इनके अंदर जो इनका शरीर विकास होगा, इनका शरीर पहले लड़वा के कंडीशन में होगा, लड़वा प्यूपा आपने पढ़ा होगा, जिस समय आपने क्या पढ़ा होगा, जिस समय आपने क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो आपके मेढक होते हैं, मेढक में जनन की क्रिया आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा जो टेड क्या कहते हैं उसका, जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिससे सिल्क वर्म होता है, उनका जो कंडीशन आपका जीवन काल जो बदलता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि उनके लड़वा और प्यूपा के फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है। और फिर मेढक वाले में दिखा होगा आपको लड़वा प्यूपा टेडपोल, है ना, यह कंडीशन आपको देखने को मिला होगा। ठीक उसी प्रकार से जो टीनोफेरा है, इनका भी शरीर जो होता है लड़वा के फॉर्म से क्या होता है, विकसित होता है। क्लियर है? इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं हर्मी फोड़ा, हर्मी फोड़ा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? अर्थात कि अर्बी फोड़ा जो जीव है, वह आपका टीनो फोड़ा कैटेगरी के आपका जीव है। आशा है कि ये सिलिंट्रेटा और आपका कौन है, पेरिफेरा, सिलिंट्रेटा और आपका टीनोफेरा, ये क्लियर हो गया होगा।
अब क्या है कि इन तीनों में आपको क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफिक चीज जो तीनों में डिफरेंस है, जो चीजें कॉमन है उन चीजों को अलग करके, जो चीजें स्पेसिफिक है जैसे टीनोफेरा सिलेंटेंटामिदंस को सीखा है इसमें नहीं है, इनमें लैंगिक जनन पेरिफेरा में नहीं थी, टीनोफेरा और सिलेंटेटा में है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, तीनों को एक साथ कैटेगराइज करके आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और उनमें क्या देनो आपके तीनों में क्या एक डिफरेंसेज है इनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। आशा है फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जो 3 पॉइंट क्लियर किए ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग को जानना है प्लेटियल मेंथीज, एस्केल मेंथीज, दो क्वालिटी के बारे में जानेंगे, दो मतलब जीवों के स्तर को जानेंगे। उसके बाद हमारा जो ग्रुप शुरू हो जाएगा वह ग्रुप हो जाएगा सिलोम वाला ग्रुप, और सिलोम वाले ग्रुप में मैंने बताया था आपको कि उसके अंतर्गत हम 6 जीवों के बारे में, 6 प्रकार के जीवों की हम लोग चर्चा करेंगे, जिनमें हमारा एनालिडा था, अर्थोपोडा था, हेमिकाडेटा, कर्डेटा, इन सभी के ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।